यदि हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, ललित कलाओं की बात करते हैं, तो इट हैज द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट्स देयर। सिमिलरली यदि हम उनकी बात करें कि कैसे उन्होंने जो है भारत में एजुकेशन को बढ़ावा दिया, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षा थी उसके लिए स्कॉलरशिप देकर उनको विदेश भेजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। जब दादाभाई नारोजी ने प्रयत्न किया कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंटर करें, एमपी के तौर पर चुनाव लड़े लंदन की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसकी फंडिंग में भी महाराजा सयाजीराव का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो इसीलिए उस इतिहास को देखते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा के इतिहास को देखते हुए, हम ये मानते हैं कि ये हम पर दायित्व है कि आज की तिथि में भी हम भी अपनी ओर से प्रयत्न करें कि कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्र की जो एक सांस्कृतिक प्रगति है उसमें कहीं ना कहीं हम भागीदार बने। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें भाषा का एक बहुत बड़ा अंग है, साहित्य का एक बहुत बड़ा अंग है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा पुरस्कार उसी का एक अंग है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा से हमारा क्या अभिप्राय है। What do we mean by what a national language? अक्सर ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा को कहीं ना कहीं एक तरह देखते हैं। ये निश्चित है कि हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है, और जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो हमारी वो सभी 22 भाषाएं जो 8वें अनुच्छेद में है वो हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। तो इस पुरस्कार का ध्येय है उन सभी राष्ट्रभाषाओं का विकास, आदान प्रदान द्वारा विकास। तो ये पुरस्कार जो है उन सभी राष्ट्र की भाषाओं में मूल कृतियां जो हैं, जो नॉवल लिखे गए हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहता है, और उनको जिनका अनुवाद हिंदी में गत वर्ष में हुआ है। तो इस द्वारा हमारे विचार में सभी राष्ट्रभाषाओं का आदर होगा, उनका विकास होगा, उनकी जो मूल कृतियां हैं उनका सम्मान होगा, और साथ साथ उन मूल कृतियों को भले ही वो तमिल में लिखी गई हो, उड़िया में लिखी गई हो, बंगला में लिखी गई हो, उनको जो है एक व्यापक एक पाठक वर्ग से हम संपर्क करा पाएंगे। इस उपन्यास के लिए हमने जो है एक बहुत ही बहुत आवश्यक है कि जब हम किसी पुरस्कार की बात करते हैं तो उसमें एक क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पुरस्कार में जो है वो ज्यूरी की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत फख्र है कि हमने जिस ज्यूरी को इंस्टीट्यूट किया था इस अवार्ड के लिए उसकी चेयरमैनशिप श्रीमती गीतांजलि श्री कर रही हैं। आप सब वाकिफ होंगे कि गत वर्ष इंटरनेशनल बुक प्राइज से श्रीमती गीतांजलि श्री को नवाजा गया था रेत समाधि के लिए, टूम ऑफ सैंड। और इट इज ऑल्सो अगेन जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट एज आई स्पीक टू यू टुडे आई एम जस्ट लुकिंग अप द फाइनेंशियल टाइम्स एंड टुडे दे हैव मेड द अनाउंसमेंट फॉर द इंटरनेशनल बुक प्राइज फॉर दिस ईयर। तो इस जो जो हमारी ज्यूरी है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि निर्णायक मंडल की अध्यक्षता कर रही हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता सुश्री गीतांजलि श्री। इसके सदस्य हैं प्रख्यात चिंतक एवं रचनाकार श्री पुष्पेश पंत, तथा साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में कई प्रख्यात शख्सियतें जैसे कि श्री अरुण कमल, सुश्री अनामिका और श्री प्रभात रंजन। I believe that this is possibly the most credible and again distinguished jury that can be put together, that we put together for this prize this year. जो प्रक्रिया इस अवार्ड की रही है वो ये है कि हमने सभी लेखकों से, सभी पब्लिशर से हमने कृतियाँ इन्वाइट की थी। उसमें से लगभग हमने 22 को पहले एक लिस्ट में हमने उसको बनाया। The jury has gone through all the books and then आज की तिथि में एक 12 किताबों की लॉन्ग लिस्ट जो है उसका अनावरण होगा। मैं अनावरण जो है मैंने कहा हम 2 मिनट ही रोक लेते हैं क्योंकि पहले बहुत ही आवश्यक है कि इस अवार्ड का, इस पुरस्कार का परिप्रेक्ष्य क्या है, जूरी मेंबर्स कौन है, उससे आप सबका परिचय कराया जाए। इस 12 की जो लॉन्ग लिस्ट होगी उसका जो है एक 6 की शॉर्ट लिस्ट उसके बाद घोषित की जाएगी। तो 12 की जब लॉन्ग लिस्ट होगी तो उन्हीं 12 जितने भी हमारे लेखक हैं, अनुवादक हैं, उनके साथ हम जो है देश के विभिन्न भागों में संवाद करेंगे, पैनल डिस्कशंस करेंगे। वो पैनल डिस्कशन जो है हम कलकत्ता में करेंगे यदि प्रविष्टियों में कोई बंगला प्रविष्टि हुई, चंडीगढ़ में करेंगे यदि कोई पंजाबी प्रविष्टि हुई।